केस नंबर 41 वृंदा देसाई वर्सेस समीर घीवाला हाजिर हो। गोपालदास जी, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। आप तो जानते हैं कि यह केस काफी कमजोर है, फिर भी हम अपनी तरफ से समीर को कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश कर सकते हैं। हमें कानून पर और आप पर पूरा विश्वास है। हम किसी भी फैसले के लिए तैयार हैं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। डोंट फील बैड डैड, लेकिन कहीं ये बिपिन चौधरी वृंदा पर भारी न पड़ जाए। वृंदा पर भारी पड़ सकता है, लेकिन सच्चाई पर नहीं। आज जीत वृंदा की होगी, क्योंकि सच्चाई उसके साथ है। अगर मैं तोल मोल के बोलूं तो आज वृंदा की जीत इसलिए होगी क्योंकि वृंदा के साथ मैं हूं। चलें। प्लीज प्रोसीड। योर ऑनर, ये केस मेरे बच्चों के मुतालिक है। इस केस में मैं फरियादी हूं और वकील भी। संसार में मां के प्रेम को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है, क्योंकि वो मां है जिसे ईश्वर सृजन का वरदान देता है, जिस बच्चे को मां जिंदगी देती है वही बच्चा माँ का जीवन बन जाता है। लेकिन मेरी जिंदगी को मौत में बदला समीर घीवाला, मेरे बच्चों को मौत के घाट उतारा समीर घीवाला। इसलिए आज इस अदालत में मैं इंसाफ मांगने आई हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं समीर घीवाला को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा और कुछ नहीं कहूंगा।
समीर घीवाला 31 दिसंबर की रात मौका है वारदात पर आप क्या कर रहे हैं? जी मैं न्यू ईयर पार्टी के बाद घर लौट रहा था। जिस गाड़ी से आप घर जा रहे थे वो आपकी थी? जी नहीं, वो मेरे दोस्त की कार थी। उसका नाम अभिषेक मुजुमदार है। शायद आप उस वक्त नशे में थे। नशे में गाड़ी चला रहे थे आप, करेक्ट? करेक्ट जी। नशे में गाड़ी चलाना जुर्म है समीर, आप जानते हैं, और शायद ये समझते भी हैं कि इस बयान के बिना पर आपको सजा हो सकती है। जी लेकिन मैंने उसके बाद कभी शराब पी के गाड़ी नहीं चलाई, और अब मैं शराब पीना छोड़ चुका हूं। उस रात आप इतने नशे में थे कि आपको पता ही नहीं चला कि एक्सीडेंट हुआ या नहीं। जी सवाल ये उठता है समीर जी, एक्सीडेंट के बारे में आपको पता कैसे चला? जी मुझे द्वारका दास जी ने इस बारे में बताया। पहले द्वारका दास जी ने मुझे ये बताया था कि उस एक्सीडेंट में किसी की जान जाना तो दूर, किसी को चोट तक नहीं आई है, क्योंकि जब मैं ड्राइव कर रहा था तो मैं काफी स्पीड में था, और जब मुझसे वो एक्सीडेंट हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे गाड़ी से कोई टकराया है। मैं गाड़ी से बाहर निकला तो किसी आदमी ने मुझे वहां से निकल जाने के लिए कहा। आपको मेरे बच्चों की मौत के बारे में कैसे पता चला? वो जानकी ने जब मुझे बताया कि 31 की नाइट को उसके कजिन्स का एक्सीडेंट हुआ है, तो तब मुझे ध्यान आया कि उसी दिन उसी वक्त उसी जगह पे मेरे हाथों भी एक हादसा हुआ है। जैसे ही मुझे ये पता चला मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। माय लॉर्ड, मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अच्छा, अगर मेरे काबिल दोस्त चाहें तो सवाल कर सकते हैं। जी नहीं योर ऑनर, मैं इनसे कुछ नहीं पूछना चाहता। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं द्वारका दास जी से कुछ सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि द्वारका दास जी इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। इजाजत है। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो द्वारका दास जी, आपने गवाही देने के लिए 4 साल कैसे लगा दिए? जी ये मेरी गलती है योर ऑनर। दरअसल समीर मेरी बेटी के ससुराल का एक सदस्य है। मुझे इसके भविष्य और इसकी पत्नी जानकी की बहुत चिंता हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर अब अचानक आपने ये फैसला कैसे कर लिया कि आप इनके खिलाफ कोर्ट में गवाही दे रहे? एक माँ की ममता के आगे मैं हार गया। जब जब मैंने वृंदा जी को घीवाला परिवार में अपने बच्चों के लिए बिलखते तड़पते देखा, रात रात भर अपने बच्चों के कातिल की तलाश में इन्हें परेशान होते देखा, तब मुझे लगा मैं गलत हूं, अन्याय कर रहा हूं एक माँ के साथ। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इनके बच्चों के कातिल को सबके सामने ला खड़ा कर दूंगा। तोल मोल के बोलूं तो इस गुनाह को छिपाने के लिए अगर ये अदालत मुझे जो सजा देगी मुझे मंजूर है। द्वारका दास जी, क्या आप जानते थे कि हादसे के वक्त समीर नशे में था? जी हाँ, शराब पीकर गाड़ी चलाने का गुनाह तो किया है इसने, और उसी की वजह से इन बिचारी के बच्चों की जान चली गई। सॉरी पर गुनहगार तो है। थैंक यू द्वारका दास जी,
योर ऑनर, मैं मानता हूं कि मेरे मुवक्किल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन यह इस बात का सबूत है कि समीर अपने किए पर शर्मिंदा है। लेकिन मैं हादसे के वक्त की इसकी हालत, इसकी सच्चाई और ईमानदारी को अदालत के सामने लाना चाहता हूं। अगर समीर चाहता तो अपने जुर्म को नकार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। लिहाजा मैं अदालत से हाथ जोड़कर यह दरख्वास्त करता हूं कि मेरे मुवक्किल की सच्चाई, इसकी ईमानदारी, इसकी उम्र, आने वाली जिंदगी और हादसे के वक्त इसके होश में ना होना, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इसके अनजान जुर्म को माफ कर दिया जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अदालत गुनाह के लिए सजा देती है, माफी नहीं। और ये फैसला भी अदालत करेगी, मेरे काबिल दोस्त ने। मैं मानता हूं योर ऑनर, मैं मानता हूं, तभी तो मैं अदालत से हाथ जोड़कर दरख्वास्त कर रहा हूं कि अदालत इसे कम से कम सजा दे, क्योंकि ये एक्सीडेंट इसने जानबूझकर नहीं किया। अनजाने में ही सही, लेकिन गुनाह गुनाह होता है वकील साहब। समीर रियायत का हकदार नहीं योर ऑनर, और मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि समीर घीवाला को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। लेकिन इससे पहले आप अपना फैसला सुनाएं, इजाजत चाहूंगी आपसे और द्वारका दास जी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी, ताकि मैं अपने पक्ष को और मजबूत कर सकूं और आप समीर की सजा को और सख्त कर सके। प्लीज प्रोसीड। द्वारका दास जी, आपने अपने बयान में कहा कि आपने एक्सीडेंट के बारे में, मेरे बच्चों की मौत के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि आपको समीर और जानकी के भविष्य की चिंता थी, राइट? जी हाँ। इस तरह उनके आपस के संबंध बिगड़ भी सकते थे। अच्छा, लेकिन जब ये एक्सीडेंट हुआ तब समीर की शादी नहीं हुई थी। बार बार अपना बयान बदल रहे हैं द्वारका दास जी, अब ऐसे में अदालत को आपकी बात पर विश्वास क्यों? वो इसलिए कि इस घटना का मैं ही एक चश्मदीद गवाह हूँ। आप चाहें तो पुलिस के रिकॉर्ड चेक करवा सकती हैं। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो एक्सीडेंट आपकी आंखों के सामने हुआ? मैं आदरणीय वकील साहिबा की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मैं जो कुछ कहता हूँ बहुत तोल मोल के कहता हूँ। तो तोल मोल कर ये बता दीजिए कि आपके अलावा कोई और था मौकाए वारदात पर? जवाब दीजिए। मैं अगर वहां था तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मुझे मालूम होता कि आप मुझसे इतने बेतुके सवाल करने वाली हैं, तो मैं दो चार लोगों को अपने साथ लेकर जाता। मैं वहां अकेला था, लेकिन समीर भी था वहां। नशे में था, इसका वहां होना ना होने के बराबर था। ओह, तो समीर नशे में था, इसलिए आपको सिर्फ समीर की चिंता। इससे पहले कि लोग वहां इकट्ठे होते, आपने समीर को वहां से भगा दिया। ये नहीं सोचा कि गाड़ी में तीन बच्चे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे। आपने एक बार भी नहीं सोचा द्वारका दास जी कि उन तीनों बच्चों को बचाया जा सकता है? एक बार नहीं सोचा उनके बारे में? वो क्या, आपने कोशिश नहीं की उन बच्चों को बचाने की? जवाब दीजिए, आपने उन बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया? ऐसा नहीं है। वो गाड़ी टक्कर मार के
जाकर के खाई में गिर। आप कैसे कह सकते हैं ये? उस वक्त इतना अंधेरा था कि आपने कैसे देखा कि वो गाड़ी खाई में गिरी है, कि उस गाड़ी को किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है? देखिए वृंदा जी, ये मेरी आंखें हैं ना, ये अभी भी काम करती हैं। और ये ना भूलिए कि वो गाड़ी सिल्वर कलर की थी, जो अंधेरे में बहुत आसानी से नजर आ जाती है। बस यही सुनना चाहती थी मैं इनसे। और लेकिन इन सारे सवालों के जरिए आप किस नतीजे पर पहुंचना चाहती हैं? इन सवालों के बाद योर ऑनर, मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मेरे बच्चों का कातिल समीर घीवाला। अगर समीर घीवाला आपके बच्चों का कातिल नहीं है तो आपके बच्चों का कातिल कौन है? मेरे बच्चों का कातिल ये क्या बकवास कर रही हैं आप वृंदा जी? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर है द्वारकादास जी। जिस गाड़ी से मेरे बच्चों की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसका रंग सिल्वर नहीं था, योर ऑनर, लाल था। गाड़ी के बारे में जितनी भी फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी। मैंने सारे पुलिस रिकॉर्ड्स चेक किए योर ऑनर। वो रिकॉर्ड जो ये बताते हैं कि समीर की गाड़ी की मरम्मत किस गैराज में है, लेकिन मेरे पास वो रिपोर्ट्स भी हैं जो बताती है कि किस गैराज में इनकी गाड़ी रिपेयर। योर ऑनर, एक्सीडेंट के तुरंत बाद द्वारकादास जी ने अपनी गाड़ी का रंग बदलवाया। सूरत में एक गैराज में द्वारकादास जी गए, वहां पर इनकी गाड़ी को इन्होंने रिपेयर भी करवाया और रंग भी बदलवाया। झूठ है ये, टोटल बकवास। मैंने अपनी कार सूरत के किसी भी गैराज में रंग बदलवाने के लिए नहीं भेजी थी। और नहीं, कहानियां नहीं बना रही हूं द्वारकादास जी, जो कह रही हूं वो साबित कर सकती हूं। योर ऑनर, सूरत के उस गैराज के मालिक से मैं मिली हूं, वो आकर इस अदालत में गवाही दे सकते हैं। इनफैक्ट द्वारकादास जी को पहचान सकते हैं। क्यों द्वारकादास जी? नामुमकिन, क्योंकि जिस गैराज में मैंने अपनी गाड़ी का रंग बदलवाया वो तो मुझे जानते ही। आरटीओ की रिपोर्ट से साबित करती हैं कि द्वारकादास जी की गाड़ी का ओरिजिनल कलर लाल था। अब भी कहेंगे द्वारकादास जी कि मेरा दिमाग खराब है? जिस गीता पर आपने हाथ रखकर झूठी कसम खाई है ना, उसी गीता पर हाथ रखकर मैंने कसम खाई थी कि गुनहगार को सजा मैं दिलवाऊंगा। सच्चाई अदालत के सामने और असली गुनहगार इस कटघरे में खड़ा है। आई एम सॉरी योर ऑनर, ये मेरा कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अदालत में क्या मजाक चल रहा है। वकील साहिबा द्वारकादास जी पर इल्जाम लगाए जा रही हैं, वो भी बगैर किसी सबूत के। सबूत है योर ऑनर, सबूत है। मौकाए वारदात पर उस रात एक गवाह और था जिसे बुलाने की इजाजत आपसे चाहूं। इजाजत है। मोहन, योर ऑनर, ये मोहन है। उस रात मौकाए वारदात पर मोहन भी था।
होते अपनी आंखों से देखा। मोहन ने जो बयान दिया इस एफिडेविट के रूप में मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। इस बयान के मुताबिक मेरे बच्चों की गाड़ी को टक्कर द्वारकादास जी की गाड़ी ने मारी। उस टकराव के चलते मेरे बच्चों की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और खाई में गिर गई। सामने से समीर की गाड़ी आ रही थी और समीर की गाड़ी द्वारकादास जी की गाड़ी से टकराई। द्वारकादास जी के सामने नशे में धुत समीर था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जुर्म को समीर के माथे मारा जाए। और वही क्या उन्होंने, जुर्म किया द्वारकादास ने और इल्जाम समीर पर लगाया। अब यह पूरा सच आपके सामने है। लेट्स गो। के हर पहलू पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि समीर घीवाला बेकसूर है और इसलिए उन्हें अदालत बाइज्जत बरी करती है। साथ ही ये हुक्म देती है कि द्वारकादास को हिरासत में लिया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। सत्य की थी, मैं बस अपने बच्चों को इंसाफ दिलवाना चाहती थी। वो जो आज मुझसे दूर है और वो जो अब मेरे करीब है।